हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉगर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले, चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और गाइस, और अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि ये सभी क्लिप मैं जो भी आज की वीडियो में दिखा रही हूँ वो पुरानी क्लिप्स हैं। एक्चुअली हुआ है ऐसे कि सुबह से, कल भी हुआ था ऐसे ही, इस वजह से मैंने बिल्कुल एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। और सुबह से भी यही हो रहा है, सुबह से भी मैंने काफ़ी वीडियो शूट की थी, अपनी रूटीन काफ़ी शूट की थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा गैलरी में, तो गैलरी में से ना सभी जो क्लिप्स थी वो उड़ गई थी, इनकरप्टेड शो हो रही थी। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के बारे में पता हो तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर मतलब शूट की हुई वीडियो और क्लिप्स जो भी हैं वो इनकरप्टेड शो हो, दिखाई ना दें, तो फिर वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप बताना मेरे को। और फिर मेरे को ये है कि अपने 5 PM तक अपनी वीडियो कोई ना कोई जो है शेयर करनी ही करनी है, तो फिर मैंने पुरानी क्लिप्स लेके और साथ में आज की जो अपडेट है वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैं हूँ एक हाउसवाइफ, जैसे कि सब जानते हैं, और कोई भी चैनल है, चैनल को बनाया जाना, कोई भी चैनल को क्रिएट करता है तो इसलिए करता है ताकि कोई कुछ वो किसी के साथ शेयर करे, या अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, या अपनी रूटीन शेयर करे, कुछ भी मतलब शेयर करे। और हम लोगों को क्या है कि कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। मैं तो ऐसे करती हूँ कि कोई ना कोई टॉपिक जो है मैं ढूंढती हूँ, टॉपिक कवर करके वो मैं अपने वीडियो में मेंशन करती हूँ, ठीक है, कोई भी टॉपिक है। और टॉपिक है डोमेस्टिक, जो भी मतलब मैं घर पर हूँ, मेरा एरिया बस इतना ही है, मेरा घर, मेरा परिवार, और बस कोई भी है टॉपिक। और ज़्यादा जनता क्या है, घर तो हर एक के पास होता है, और टॉपिक जो है वो ह्यूमैनिटी, मतलब किसी ना किसी इंसान से रिलेटेड ही होता है, इंसान को लेके मैं बनाती हूँ। तो अगर बाय चांस अगर किसी के साथ वो सिचुएशन मैच कर जाती है इन फ्यूचर में, दैट मीन्स ये नहीं है कि मैं किसी को मैंशन कर रही हूँ, मैच तो किसी न किसी के साथ करेगी ही। कोई भी टॉपिक है मैं अगर बता रही हूँ वीडियो में, तो किसी ना किसी के साथ वो रिलेट ज़रूर करेगी वो वीडियो। दैट मीन्स ये नहीं है कि कोई भी मुँह उठा के बोल देगा कि ये मेरे ऊपर वीडियो बनाई गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बेशक बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा वीडियो, बिल्कुल ही मतलब डिसलाइक भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, वीडियो देखिए ही मत। कोई ऐसे आपके साथ प्रेशर नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखो ही देखो, दैट इज़ योर चॉइस कि आप क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। और मेरी चॉइस है कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ। खैर, मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी अगर टॉपिक कवर करती हूँ तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर सकती, ठीक है, और ना ही मैं किसी को टारगेट कर सकती हूँ, क्योंकि करना चाहिए भी नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ। अब देख लीजिए कि कोई भी मेरा वीडियो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी का कुछ भी नहीं शो किया है। और बस ये नई आदत सीखी है युवराज ने अंगूठा मुंह में डालने की, लेकिन जैसे ही इसने सीखी थी ना वैसे ही मैंने इसको टॉप दिया था। बच्चों को ये होता है कि स्टार्टिंग में कोई चीज़ कर रहे हैं ना, तो और उनको एट द टाइम, उसी टाइम पे अगर उनको रोका जाए ना तो वो फिर रुक जाते हैं, अदरवाइज़ उनकी हैबिट बन जाती है, तो फिर वो उसे छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस पीछे हमेशा की तरह बच्चे मेरे खेल कूद कर रहे हैं, और पीछे टक टक ठक ठक कुछ भी लगाई रखी है उन्होंने, जिस वजह से पीछे जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है आपको, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और अगेन, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बस और क्या बोलूँ मैं, बाकी देखते हैं अभी फ़ोन की प्रॉब्लम ठीक होगी, कब ठीक होगी कब नहीं ठीक होगी। नहीं होगी तो फिर एक ही रास्ता है, फ़ोन को रीसेट मार दो बस। रीसेट मारने के बाद फिर जो है सेटिंग ज़रा करनी पड़ती है, तभी मैं जल्दी से रीसेट नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर रीसेट करने से बिल्कुल जैसे नया फ़ोन आ जाता है वैसे ही हो जाता है, तो फिर बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें हमारा फ़ोन चाहिए होता है वैसे। तो
तो प्लीज़ आप इस प्रॉब्लम के बारे में बताना मेरे को, जो इनक्रप्टेड फाइल एंड वीडियो होती है ना, मेरे से नहीं हो रही है। और आपको बता दूँ, कैशियर एंड कैशियर क्लियर डाटा करके भी मैंने देख लिया है, वो भी नहीं हुआ, फिर भी ये प्रॉब्लम मेरे को आ ही रही है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपको किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बस यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।